आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा। आजमगढ़ जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़, सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली में इन दिनों लगातार अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल कर दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अगर दिल्ली में किसी भी तरीके की आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए प्रशासन कितना मुस्तैद है। पहले भी इस तरीके के मॉक ड्रिल उत्तरी दिल्ली के कई इलाकों में की गई और इंद्रलोक इलाका, जो कि दिल्ली का व्यस्त इलाकों में से एक माना जाता है, वहां पर मॉक ड्रिल कर सभी विभागों की सक्रियता को दिखाया गया। राजधानी दिल्ली के अंदर ब्लॉक में अगर किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो उससे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस कितनी मुस्तैद है, इसको लेकर मॉक ड्रिल की गई जिसमें पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे और कई अलग अलग संबंधित विभाग के जवानों ने इस मौके पर मॉक ड्रिल भी दिखाया कि वह कितने मुस्तैद हैं और कितने सतर्क हैं। इस जरिए लोगों को भी जागरूक किया गया कि अगर किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो उसे किस तरह से निपटा जा सकता है और अपने आप को और आसपास के लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए भी लोगों को जागरूक किया गया। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। सर, किस तरह की कॉल की गई थी? एक कॉल थी कि 3 टेररिस्ट ने 5 लोगों को हॉस्टेज बना लिया यहाँ पे, 156 पे कॉल की गई थी और कॉल को देखते ही हमारे लोकल पुलिस सराय रोहिल्ला ने यहाँ पे रिस्पांस टाइम उनका काफ़ी अच्छा था, 6 मिनट में वो लोग यहाँ पे आ गए थे और बाकी भी हमारा सभी स्टाफ आ गया था और फिर तुरंत बाकी एजेंसीज जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे दिल्ली पुलिस की, स्पेशल स्टाफ की हमारी मॉरिस नगर की टीम है और स्पेशल सेल है, स्वाट की टीम है, उनको और एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड सभी को फ़ोन कर दिया गया और एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया लोकल पुलिस के यहाँ पहुँचते ही। और उसी टाइम स्कूल की छुट्टी भी हुई थी तो बच्चों को भी हमने यहाँ सेफली यहाँ से निकाला और थोड़ी देर बाद में लोकल पुलिस के बाद स्पेशल स्टाफ की भी टीम आई, उन्होंने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और एरिया को सेफ किया ताकि बाहर कहीं फायरिंग ना हो। उसके बाद करीब 1.25 घंटे बाद स्पेशल सेल की स्वाट टीम आई, उन्होंने टेक ओवर किया और फिर करीब 3:40 तक ऑपरेशन चला और 3:40 पे हमने जो तीनों टेररिस्ट थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया और इस प्रोसेस में 2 लोग पहले इंजर्ड हुए थे उनको एम्बुलेंस ने शिफ्ट करा दिया था हॉस्पिटल, हिंदूराव हॉस्पिटल, और लास्ट में जो 3 इंजर्ड थे उनको भी शिफ्ट करा दिया गया है। तो मॉक ड्रिल काफ़ी सक्सेसफुल रही, हमारी स्वाट की टीम ने काफ़ी अच्छे से एक्शन किया और लोकल लोगों को भी यहाँ पे थोड़ा अवेयर किया कि मॉक ड्रिल के टाइम पे क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और एक काफ़ी अच्छे नोट के साथ ये मॉक ड्रिल समाप्त हुई। टाइम रिस्पॉन्स की बात करें तो टाइम कितना रहा? लोकल पुलिस का 6 मिनट का टाइम रहा है, बाकी एजेंसीज में फायर ब्रिगेड भी आ गई है, एग्जैक्ट टाइम आपको कन्वे कर देंगे, फायर ब्रिगेड भी विद इन 10 मिनट्स आ गई थी, एम्बुलेंस 20 मिनट में आई है यहाँ पे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।